दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह। नया दिन, नई शुरुआत। मैं लेके आया हूं आपके लिए 500 गज में बहुत ही सटल लुक का बिल्डर फ्लोर। 500 स्क्वायर यार्ड का साइज है, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। 500 स्क्वायर यार्ड की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कुछ दिनों से, तो इसमें सेकेंड फ्लोर अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, मैक्सिमम लोग वास्तु के अकॉर्डिंग घर देख रहे होते हैं, तो जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल काम है, बहुत सटल लुक टेस्ट है। 500 गज का साइज, सुशांतो फेस 2 में 18 मीटर रोड, कॉर्नर की प्रॉपर्टी, गोल्फ कोर्स रोड के जस्ट नियरेस्ट है, मेट्रो स्टेशन, वॉक इन पेयर, मार्केट्स आसपास हैं, तो मुझे लगता है ये घर आप देखना चाहिए। श्योरिटी से बोल रहा हूँ, बेस्ट प्राइसिंग में आपको ये घर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पूरे घर के साथ, आ जाओ। इस तरीके से हम मेन एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही पूरा घर आपको विजिबल नहीं होता। लेआउट बहुत ही बढ़िया बनाया, अपार्टमेंट लुक की फील देता हुआ। यहाँ पे आपको मिलता है मंदिर का स्पेस, ये आपका होता है ड्राइंग रूम, बहुत ही स्पेशियस ड्राइंग रूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है फैमिली लॉन्ज और डाइनिंग का स्पेस, किचन आपके सामने है, पाउडर रूम का स्पेस, फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, ये आपको पूरी लॉबी फॉयर आपको मिल जाता है, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। बहुत लोगों की डिमांड होती है कि मुझे ना अपार्टमेंट लुक के साथ साथ मुझे बहुत बैलेंस लेआउट चाहिए, जिसमें एक फैमिली मेरी आगे की तरफ आ जाए, एक फैमिली पीछे की तरफ, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड साइज मिल जाए रूम्स के। तो ये उसी तरीके का लेआउट आपको मिलता है पूरे घर के अंदर। ड्राइंग, डाइनिंग, किचन में और लॉबी और डाइनिंग के स्पेस में, फैमिली लॉन्च में आपको सारी जगह इटालियन मिलेगा। बेडरूम्स में आपको टाइल्स मिलेंगी और एक जगह आपको वुडन फ्लोरिंग भी मिल सकती है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटल लुक का काम आपको यहाँ पे नजर आएगा। एंट्री करते हैं हम ड्राइंग रूम से, तो कितना ह्यूज आपको ड्राइंग रूम का स्पेस मिलता है यार, फैबुलस है, स्पेशियस ये आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है। नीचे आप इटालियन आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट ग्रेन्स में आपको ये इटालियन मिलता है। वेंटिलेशन आप देखो ना यार, मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको पूरा ड्राइंग रूम दिखाऊं तो बहुत ही अच्छा लुक है। ड्राइंग रूम में आपको दो एसीज मिलते हैं, फॉल सीलिंग में आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। वॉल्स पे अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ टचअप करना चाहें, कुछ नया पैटर्न चाहें, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, ज़्यादा पैसे लगने वाले नहीं हैं। तो बालकनी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, स्पेशियस मिल जाता है। तो ये था इसका ड्राइंग रूम। यहाँ पे आपको मिलता है ब्यूटीफुल मंदिर का स्पेस, ब्लैक वॉल है, अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहें तो आप इसमें करा सकते हैं, प्राइसिंग बेस्ट मिलती है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया, सिंपल ब्लैंक वॉल्स हैं, बढ़िया फॉल सीलिंग मिल जाती है, डायकन के आपको एसी मिल जाएंगे। ये बेडरूम आपका काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाता है, वाइड बालकनी है यार, काफ़ी ब्रॉड बालकनी, बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। तो ये है इसका ग्रैंड वॉशरूम, बढ़िया डुअल कलर की टाइल्स में मिल जाता है। लगता है कि हाँ यार 500 स्क्वायर का साइज है। टाइल्स आपके सामने हैं, क्रॉम्पटन की गीजर्स हैं, पूरा आपको क्यूबिकल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी कॉलर की प्रीमियम फिटिंग्स मिल जाती हैं, वेरी नाइस। सैनिटरी फिटिंग भी बहुत प्रीमियम है, आपको टॉप बहुत अच्छा साइज निकल के आता है। वार्डरोब्स भी आपको मॉडर्न डिजाइनिंग में मिल जाती है, 4 सेक्शन के वार्डरोब्स आ गई, ग्लास फिनिशिंग में ड्रेसर भी आपको क्रिएटेड मिल जाएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम, काफ़ी ब्रॉड आपको फील मिलता है, बैकन का एसी मिलेगा, कितनी बढ़िया नेचुरल लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये इसका ह्यूज ड्रेसर, बढ़िया आपकी वार्डरोब ग्लास फिनिशिंग में आपको नजर आएगी, डिजाइनिंग बहुत प्यारी, तो वुडन की तरफ से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अटैच वॉशरूम में। वो शावर एरिया बहुत अच्छा निकल के आया है, नीचे आप देखें टॉप सैनिटरी फिटिंग, बढ़िया मिरर, वेरी नाइस, तो एक अच्छा फील मिलता है। तो ये एरिया भी अगर यूटिलाइज होता तो भी ये ब्लैंक रह गया, तो यहाँ पे भी एक अगर कुछ अलमीरा टाइप कुछ बन जाए तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था इसका सेकेंड बेडरूम, तो ये पूरी फील देता है अपार्टमेंट की, देखो वेरी नाइस। तो यहाँ पे अब मिलते हैं आपको डाइनिंग और फैमिली लॉन्च का स्पेस, हर तरफ आपको नेचुरल लाइट नजर आएगी, और कितना बढ़िया खूबसूरती से ये लेआउट डिजाइन किया है बिल्डर ने। तो ये था इसका पाउडर रूम का स्पेस,
कुछ कुछ कनेक्शन अभी लगने बाकी हैं, तो इसकी और लुक अच्छी हो जाएगी। टाइल्स का काम हुआ हुआ है, नो इटालियन, तो कॉलर की सारी फिटिंग्स हैं, बढ़िया। तो जी अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका किचन, खूबसूरत किचन है, यहाँ से ये लुक आती है, आपकी एंट्री आ गई, बढ़िया लेआउट डिज़ाइन हो गया, आपको फॉयर मिल जाता है, लॉबी, फैमिली लॉन्च, डाइनिंग, वेरी नाइस। तो ये नेचुरल लाइट के लिए आपको बड़ी सी विंडो, डबल डोर रेफ्रिजरेटर का स्पेस, ग्रे कलर के टोन में वाइट कलर की टाइल्स मिलती हैं, अच्छी फील मिल जाती है, डार्क कलर का ये कलर कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा, वेरी नाइस। ये आप देख रहे होंगे ये वेजिटेबल के लिए है, आपकी मेन यूटिलिटी बाहर है, बढ़िया चीज ये बिल्डर ने करी है। आपको हॉब और चिमनी जरूर मिलेगी, अभी इंस्टॉल नहीं हुई हुई तो बात कर सकते हैं, माइक्रोवेव और ओवन की भी बात हम कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा फील मिल जाता है ओवरऑल इस किचन का। यहाँ से आपको पीछे की बालकनी का एक्सेस है, वो भी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। डोर्स भी देखें तो बहुत ही अच्छे मैट फिनिशिंग के ये डोर हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, बढ़िया स्पेस, बेड की बैक, सिंपल फॉल सीलिंग, डायकन के एसी, नेचुरल लाइट आपके सामने, बढ़िया तरीके से पूरा स्लाइडर, अगेन एक्रेलिक शेड, बढ़िया स्पेस है, बढ़िया। जितना भी काम किया है वो अच्छा किया है। ये आपका थर्ड वॉशरूम, बढ़िया ग्रैंड फील देता हुआ, लाइट कलर्स की टाइल्स हैं, ग्रे कलर के टोन में, बढ़िया शॉवर क्यूबिकल आपको मिल जाता है, नीश वर्क, वेरी नाइस, बढ़िया टॉप क्लास फिटिंग्स हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप देखें बहुत ही अच्छी फील ये आपको वॉशरूम देता है, तो वेरी नाइस। तो ये था आपका थर्ड बेडरूम से बाहर निकल के इस तरीके से फील। अब हम चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम में, वुडन फ्लोरिंग, मास्टर बेडरूम का फील देता हुआ, बहुत ग्रैंड है, जैसे हमने पहले देखा है सेकंड बेडरूम, सेम उसी तरीके से काफ़ी वाइडर है, काफ़ी ब्रॉड है, बेड की बैक, अगेन सिंपल फॉल सीलिंग, डायकन का एसी, कोई काफ़ी बड़ा रूम है, मुझे लगता है ये 2-3 का एसी होना चाहिए, नहीं भी है तो एक एसी और जरूरत पड़ सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन वार्डरोब आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिरर जरूर मिलना चाहिए, ओह ये रहा, यहाँ पे आपको मिरर मिलता है, ड्रेसर, वेरी नाइस। हालांकि ना यहाँ पे भी हम एक अच्छी स्टोरेज दे सकते हैं और ये वाली चीज सामने लगा सकते हैं, कैसे बोलते हो जी, सही बोल रहा हूँ। और अभी आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम, बहुत ही बड़ा शॉवर आपको स्पेस मिल जाता है बाथिंग का, और वेरी नाइस ओवर हेड शॉवर, नेचुरल लाइट तो बढ़िया आती है उस घर में, इस तरीके से आपको टॉप मिल जाता है, बढ़िया अच्छी फील मिल जाएगी, नाइसली बिल्ट क्वालिटी मिल जाएगी, बहुत ही सटल लुक का काम आपको नजर आएगा, कहीं पर भी आपको टैकीपन नहीं नजर आएगा एक भी वॉल पे। बहुत लोग ना इस चीज़ के काम करके बहुत अच्छी लुक खराब कर देते हैं यहाँ पे, बल्कि मुझे सिंपल काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो लोग अलग अलग तरीके से बैक साइड की बैक ये वो फिल आउट कर देते हैं, बल्कि मुझे ये काम कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे की बालकनी दिखाऊं आपको, ये है आपकी पूरी बैक साइड की बालकनी, बहुत ही बढ़िया स्पेशियस बालकनी आपको मिल जाती है, आपको पूरा यूटिलिटी का स्पेस मिल जाता है, सच बताइएगा यार लेआउट आपको कैसा लगा, कुछ चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, बट आई थिंक फेबुलस लेआउट आपको मिल जाता है, बढ़िया काम मिल जाएगा, हैट्स ऑफ। फाइनली पूरा घर दिखा दिया मैंने आपको, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम, बढ़िया ड्राइंग डाइनिंग, बढ़िया अप्रोच, 18 मीटर वाइड रोड, और इससे बढ़िया लेआउट आपको नहीं मिल सकता 500 गज के साइज में, तो ये कितनी वाइडर बालकनी मिलती है, हालांकि डस्ट है, साफ होना बाकी है, मुझे लगता है कि आपको इस घर की बेस्ट प्राइसिंग मटेरियल मिल सकती है
18 मीटर वाइड रोड गोल्फ कोर्स रोड के पास में मेट्रो आपको नजदीक मिलती है, साइबर सिटी 10 मिनट की ड्राइव में मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच मिल जाती है, स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ बहुत नियर है। तो आई होप ये घर आपको अच्छा लगा हो, कॉल करना मेरे को, साइट विजिट प्लान करते हैं। हमारा फायदा ये है कि हम आपको बेस्ट प्राइस में दिला पाए हैं, लोगों की तरह नहीं है कि आपको डरा डरा के आपको डील दी जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।